नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सम्मान। वृषभ राशि, अक्टूबर 2024, मासिक राशिफल आपके लिए कैसा रहेगा ये हम जानेंगे विस्तार से, साथ ही अचूक उपाय भी हम वीडियो के अंत में बताएंगे। तमाम ग्रह जो आपके लिए थोड़े कमजोर चलेंगे उसको कैसे बेहतर करें, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहे, ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है। तो देखिए, वृषभ राशि भचक्र की दूसरी राशि है, देवगुरु बृहस्पति आपके पहले घर में विराजमान हैं, मंगल आपके पांचवें घर में, सूर्य केतु बुध आपके यहाँ पर देखिए कन्या राशि में, और शुक्र जो हैं आपके लिए दसम भाव में, शनिदेव 11वें भाव में हैं और राहु यहाँ पर आपके लिए। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा। देखिए, आपकी जो स्वास्थ्य की बात करें, अगर जैसे कि सूर्य का भी अभी सूर्य ग्रहण लगा था और अगले 15 दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा, तो वृषभ वालों को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है अगले 15 दिन तक। और जो शुक्र आपके 13 अक्टूबर की स्थिति आपकी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन शुक्र यहाँ पर अपनी ही राशि में है, तुला राशि में, तो राजयोग बनाकर बैठे हैं, शत्रु की राशि में आएंगे लेकिन केंद्र में आएंगे फिर, तो शनिदेव भी ठीक है। अब देखिए, ये महीना स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा नहीं है, तो जैसा हमने कहा ग्रहण भी लगा था तो स्वास्थ्य के ऊपर इसका निगेटिव प्रभाव है। ध्यान रखें, ओम होंग जूं सह एक लोटा में पानी लेके बैठे कभी भी सुबह से लेकर शाम तक में, और ओम होंग जूं सह 108 बार जप करें और इस पानी को पी लीजिएगा, आपका स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा इसके बाद, और बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरा जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई को लेकर, अगर हम आपके पंचम भाव की बात करें तो बुध सूर्य बैठे हैं कन्या राशि में पंचम भाव में, तो यहाँ पर क्या होगा ना, बुध और सूर्य मिलकर आपको बुधादित्य योग बनाएंगे, लेकिन केतु भी हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, तो ऐसे में बुध बुद्धि तो देगा पर केतु कहीं ना कहीं भटकाव भी देगा। अब सूर्य भी बैठे हैं तो ऐसे में तेज आपका बढ़ेगा, मतलब आपको समझने का जो प्रयास करेंगे और बुद्ध की बुद्धि से तमाम चीज़ें बढ़िया होंगी, लेकिन केतु थोड़ा भटकाव देगा, तो रोज़ हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं या कलाई में लगाएं तो आपके लिए उत्तम रहेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, स्थिति बेहतर रहेगी। 17 अक्टूबर से पहले अच्छा है विद्यार्थियों के लिए खासकर। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ है कि केतु जो है ना, पहले करवाता है काम उसके बाद पछतावा देता है, तो ज़्यादा सोचिए मत, सूर्य बुध अच्छे हैं, पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें। अगर हम आपके प्रेम जीवन की बात करें तो देखिए, लव लेसन के मामलों में सूर्य बुध हैं तो अंदर थोड़ा गुस्सा होगा पर कंट्रोल भी करना होगा, जिद पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, रिश्तों को बेहतर बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की अवस्था से बचिएगा, एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें और ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब लव लाइफ आपका खूबसूरत रहेगा। अग्रेशन का जो अंदर में एक भाव है ना, उस पर भी कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर कभी कभी आप कंट्रोल करना भूल जाते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए, आपके लिए मंगल यहाँ पर दूसरे में, तो ऐसे में लाइफ पार्टनर को, उनका जो लाइफ में कुछ है ऐसा जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पर आपको वैवाहिक जीवन का भी थोड़ा ख्याल रखना है। हालाँकि सही रहेगा, बड़ा टेंशन नहीं है, गुरु जो है यहाँ पर आपके लग्न में बैठे हैं, विवाह स्थान को देखेंगे तो रिश्तों में जो मुश्किलें हैं उसको दूर करेंगे, थोड़ा सा जिद्दी जो स्वभाव है उस पर कंट्रोल कीजिए, तब जाकर बेहतर, ये नहीं कि एकदम से ददवाक हर जगह बनाए रखेंगे तो फिर रिश्ता डिस्टर्ब होगा, इसलिए थोड़ा प्रेम में झुकना भी आवश्यक होता है, तो झुक के रहें थोड़ा सा। अब देखिए, मंगल आपको धन के मामलों में, जैसे कि आपका जीवन साथी को, उनके कार्यक्षेत्र में तरक्की होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, करियर में भी साथ मिलेगा, और शुभ कार्य मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, बड़े कार्य, भाग्य के स्वामी शनिदेव भी यहाँ पर आपको सपोर्ट करेंगे, वक्री अवस्था में बैठे हैं तो रिजल्ट धीरे धीरे मिलेंगे। गुरु को जी देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, वो भाग्य के स्थान को और बलवान कर रहे हैं, तो ऐसे में भाग्य को चमकाएंगे, पूर्ण रूप से शुभ मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में होगा, और बुध यहाँ पर पंचम में बढ़िया है, मंगल भी आपके लिए बढ़िया है, बुध यहाँ पर, राहु की भी दृष्टि सूर्य केतु बुध पर रहेगी, तो थोड़ा सा संभल के रहना है आपको और भटकाव से बचना है, सोच समझ कर निर्णय लेना है। ओवरऑल अगर उपाय की बात करें तो रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए, महामृत्युंजय मंत्र का तो आपको जप करना ही है, आपकी मुश्किलें कम होंगी। हम आपसे विदा लेते हैं, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।